माहौल तो आप देख रहे हो, एक तरफा है। आम आदमी पार्टी अपनी पहली हरियाणा के अंदर जीत की ओर अग्रसर है। अभी विपक्ष में किसको मानने, किससे मुकाबला है आपका? मुकाबला तो जो झूठे और फरेबी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, जिन्होंने लंबे समय तक इस हरियाणा के अंदर सत्ता भोगी है, मुकाबला तो उन्हीं से होगा जी। वो अपनी ताकत लगाएंगे, जनता अपनी ताकत लगाएगी। वो कह रहे आदमपुर हमारा परिवार है और हमारे साथ। आदमपुर तो जो परिवार मानेगा, जो यहाँ रहेगा उसका परिवार है, सतेंद्र सिंह का परिवार है और किसी का परिवार नहीं है। आप आश्वस्त हैं कि चुनाव जीतना? पूरे आश्वस्त। कितना मार्जिन रहेगा? सबका आशीर्वाद मिलेगा। कितना आश्वस्त? मार्जिन बहुत बड़े मार्जिन से जीते। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर स्वागत है गुप्ता जी आपका। कैसा चल रहा है सर चुनाव का माहौल? शानदार चल रहा है जी। आम आदमी पार्टी हरियाणा को बदलने के लिए, हरियाणा को शिक्षित करने के लिए, हरियाणा को विकसित करने के लिए, हरियाणा को बेरोजगारी से मुक्त करने के लिए, हरियाणा को अपराध मुक्त करने के लिए, हरियाणा को भय मुक्त करने के लिए, हरियाणा में जाति और धर्म के भेद पे जो घृणा फैलाई गई उसको मिटाने के लिए संघर्षरत है पूरे देश के अंदर और हरियाणा के अंदर। SYL का मुद्दा बार बार उठ रहा है और आपको SYL के ऊपर पर घेरे भी जा रहा है, क्यों नहीं उसका सलूशन आप लोग कर पा रहे हैं? SYL मुद्दा नहीं है, मुद्दा पानी है। पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, दिल्ली को मिलना चाहिए, गुजरात को मिलना चाहिए, हिमाचल को मिलना चाहिए, पंजाब को मिलना चाहिए। पानी की जरूरत हर प्रदेश को है। आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की तरह दुगले चेहरे नहीं रखती। क्या पंजाब में कुछ और बोलेंगे, हरियाणा में कुछ और बोलेंगे? पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी बोला है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने भी बोला है कि प्रधानमंत्री जी को बैठक से मुद्दे को हल करना चाहिए। अगर उनके बस की बात नहीं है तो अरविंद जी को बुलाए, वो सलाह देंगे। 65% पानी हमारा बह के पाकिस्तान में जा रहा है, नहीं रुका आज तक। हमारे यहाँ एक जगह बाढ़ आई रहती है, एक जगह सूखा पड़ा रहता है, नहीं मिलाई नदियाँ आज तक। सर सर आप कह रहे हैं कि 65% पानी पाकिस्तान में जा रहा है, तो आप हरियाणा को अगर भगवत मान जी नहीं दे रहे तो कम से कम पाकिस्तान में तो ना जाने दे, पंजाब के लिए यूज कर। ये तो कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का काम है, ये प्रधानमंत्री का काम है। बॉर्डर पे रोकना राज्य सरकारों का काम नहीं होता, और राज्य सरकारें आपस में पानी का बंटवारा कर भी नहीं सकती। ये नरेंद्र मोदी जी को देखना पड़ेगा, केंद्र की सरकार को देखना पड़ेगा, केंद्रीय जल बोर्ड जो ट्रिब्यूनल है उसको देखना। थैंक यू। अनुराग ढांडा जी भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर कुछ स्थानीय नेता आपके जो थे, जैसे बाबूलाल शर्मा जो पूर्व मंडल प्रभारी थे आदमपुर के, अमनदीप टांडी जो प्रवक्ता थे वो छोड़ के चले गए, और एक और जो अपना गढ़वाल वो भी छोड़ के चले गए, वो कह रहे हैं कि आम आदमी को टिकट नहीं दी, खास आदमी को टिकट दी। आपने जिक्र नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा मंडल आदमपुर हमारी पार्टी में शामिल हो गया। वो तो अदला बदली चली रही है सर। हाँ तो ठीक है, तो चुनाव में ये सब होता है, कोई वर्कर कभी नाराज हो जाते हैं एक दो, तो उनकी अपनी वजह हो सकती है, लेकिन उनमें से भी बहुत से लोग वापस फोन कर करके हमारे संपर्क में परेशान है। मैंने उनको पहले ही कहा था कि किसी और पार्टी में आप लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा, आप लोग काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप एक मिशन पे निकले हैं। अब उनमें से कई लोग वापस हमें फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं सर गलती हो गई। 2 दिन के अंदर उनको एहसास हो गया कि गलती हो गई। तो आपने क्षमा आने वाले आने वाले आने वाले समय में आप देखेंगे, चुनाव से पहले पहले जो साथी हमें छोड़ के गए थे उनमें से कई साथी वापस आम आदमी पार्टी के पटके और टोपी में नजर आएंगे, वापस विचारधारा से जुड़े हुए नजर आएंगे। तो सारा हल्का कवर कर चुके हैं सर आप? रोजाना एक बार हल्का कवर हो जाता है, हमारे आम आदमी पार्टी के इतने वर्कर्स हैं गांव गांव में, आप तो जा ही रहे हैं हर जगह से, रोजाना एक बार डोर टू डोर कवर हो जाता है, एक बार पूरा हल्का कवर हो जाता है। तो कैसा माहौल है, कितने मार्जिन से जीतने जा रहे हैं? माहौल बहुत बढ़िया है, ये आम जनता ये चुनाव लड़ रही है। आम जनता ने कहा कि सत्येंद्र सिंह लोकल उम्मीदवार हैं, वो आपकी पार्टी से उम्मीदवार होने चाहिए, हमने उन्हें बना दिया। अब ये सब आदमपुर के लोगों की जिम्मेदारी है और वो निभा रहे हैं उस जिम्मेदारी को, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं सत्येंद्र सिंह। धन्यवाद। ठीक है, उपचुनाव के उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह जी हमारे साथ, सर स्वागत है आपका। सर आज अपने ही हलके में अपनी एक तरह से ताकत आप झोंक करके दिखा रहे हैं, या अपने हलके में इस तरीके से जनसभा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसा क्या कारण है? परंपरा है यहाँ पर, लंबी परंपरा है, हर प्रत्याशी जो होता है वो हर गांव के चौक और चौपाल में जाकर गांव में वोट मांगने का काम करता है, हर प्रत्याशी आज यही कर रहा है। एक परंपरा है इस इलाके की, उसी परंपरा के निर्वहन में हम चौक और चौपाल में आके पूरे गाँव से। कल आपने बाकी उम्मीदवारों से सवाल किए थे, किसी सवाल का किसी उम्मीदवार ने जवाब दिया क्या? देखिए डरते हैं वो सवालों से डर लगता है उनको जी, सवालों से डर लगता है, जवाब देने का साहस नहीं जुटा पाते। श्रृंखला शुरू की थी कल एक सवाल था, आज भी हमने एक सवाल किया है, प्रतिदिन जब तक वोटिंग होगी प्रतिदिन एक सवाल करेंगे और प्रतिदिन उनसे जवाब मांगने का काम करेंगे। अगर उन्होंने जवाब दिया ठीक है, नहीं तो आदमपुर विधानसभा के मतदाता उनको वोट की चोट से जवाब देने का काम करेंगे। कौन सा सवाल उनके आगे रखने वाले हैं? देखिए उन्होंने, मैं तो कर चुका, आप देखिए सोशल मीडिया पे जारी है, अभी भी चल रहा है सोशल मीडिया पे। देखिए मैं तो आपको कह रहा हूँ,
मैंने पूछने, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा हाईली एजुकेटेड है। मैंने कहा कि आप अपने बेटे की एजुकेशन बताइए, कितना पढ़ा लिखा है और उस एजुकेशन से आज तक आदमपुर विधानसभा को कितना लाभ मिला है, और उस वो वाली एजुकेशन जो आपने अपने बेटे को दिलवाई वो एजुकेशन आदमपुर के हर बेटे और बेटी को क्यों नहीं दिलवा पाई। मान लीजिए कि आप चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष मानूंगा नहीं मैं चुनाव जीत, हम तो यही कहेंगे ना आप जीतेंगे आप छोटी है, हम तो जनता जनार्दन डिसाइड करेंगे, जनता ने फैसला कर लिया है उन्होंने। चल ठीक है आप जीत गए हैं सर, हम ये मान रहे हैं कि आप एमएलए बन गए आदमपुर के, लेकिन आप विपक्ष में रहकर कैसे काम करेंगे फिर, कैसे समस्याएं कैसे हल करेंगे? देखिए संविधान में कहीं नहीं लिखा एमएलए की पावर जो है वो सत्ता पक्ष के और विपक्ष की सेम है, कहीं संविधान के अंदर आप मुझे लिखा हुआ दिखा दो कि सत्ता पक्ष के एमएलए के पास कुछ अलग ताकत होती है विपक्ष के पास कम होती है। दूसरी बात है नियत और नीति की, बात है नियत और नीति की। 800 के आसपास सांसद चुने जाते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं, सबको सेम अधिकार है, इसी तरह विधानसभा में सबको सेम अधिकार है। जरूरत है अपनी बात के, अपने विजन को, अपने नेतृत्व को क्लियर करने की, अपनी नीति को साफ रखने की। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं ना कि जो सत्ता पक्ष की पार्टी होती है वो ज्यादा ग्रांट देती है, ज्यादा पैसा देती है, बजट ज्यादा अलॉटमेंट करती है, तो फिर किस प्रकार से आप बजट लेकर आएंगे आदमपुर के लिए? वही जो कुलदीप बिश्नोई विपक्ष में रहकर नहीं कर पाए थे वैसी स्थिति आपकी रहेगी? देखिए बिल्कुल नहीं होगी, यहाँ पर डबल काम करवाने के काम करेंगे लोग। लोगों ने एक मन बना लिया कि 24 साल हमने इस व्यक्ति को जिताकर दिखा लिया, काम नहीं हुआ, इस बार लोगों ने मन बनाया इनको हराएंगे जी, और आम आदमी पार्टी के बेटे और बेटी को विधायक बनाकर इलाके में काम करेंगे। डबल विधायक बनके आम आदमी यहाँ काम करेगा, और कुलदीप जी और सरकार को ये डर सताएगा कि 24 में सत्ता परिवर्तन ना हो जाए, इस डर में उनको हारने के बाद डबल काम करना पड़ेगा। ये होगी असली मायनों में डबल इंजन की सरकार, जहाँ पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करने का काम करेंगे। अच्छा मतलब आप पूरे श्योर है कि मतलब इस प्रकार ये स्ट्रेटजी अपना के उनसे भी काम करवा लेंगे आप जी? मैं श्योर नहीं हूँ, आदमपुर की जनता श्योर है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और शुभकामना। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेल ट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेल ट्रेंडिंग.com, पहले कम्पेयर करो फिर शॉप करो।